आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होटल या ढाबा स्टाइल बटर चिकन की रेसिपी। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बटर चिकन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 800 ग्राम चिकन ले लिया। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए 4 बड़ा चम्मच खट्टी दही डाल दें। उसके बाद 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। आधा चम्मच नमक डाल दें। 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल दें। अब चिकन में सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। सारे चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम ढक देंगे और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम यहाँ पे मसाला बना लेंगे। उसके लिए इंडक्शन में एक कढ़ाई गरम कर ले। जब कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे। बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। बटर यहाँ पे थोड़ा सा मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटा हुआ, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर यहाँ पे मैं काट लिया, उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। अब हम यहाँ पे मसाले डालेंगे। मसालों में मैं यहाँ पे 8 से 10 साबुत काली मिर्च ले लिया, 2 यहाँ पे बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 2 इंच यहाँ पे दालचीनी, 1 बड़ा चम्मच शाही जीरा और 4 यहाँ पे छोटी इलायची। सारी चीज़ों को डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। सारे मसालों को यहाँ पे 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनने के बाद हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे टोटल 1.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी डालने के बाद मसालों को एक बार अच्छे से पानी में मिक्स कर दें और हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक देंगे और ढकने के बाद सारे मसालों को 5 मिनट के लिए उबाल देंगे। 5 मिनट हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हम ढक्कन को निकाल देंगे। सारे मसालों को एक बार और आप मिक्स कर दीजिए। अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और सारे मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मसाला ठंडा हो रहा है हम यहाँ पे चिकन को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए इंडक्शन में एक पैन गरम कर ले। जब पैन अच्छे से गरम हो जाएगा यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच बटर डाल दे। बटर को थोड़ा सा मेल्ट हो जाने दीजिए। क्योंकि हम यहाँ पे बटर चिकन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे कुकिंग प्रोसेस में हम बटर का इस्तेमाल ही करेंगे। बटर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे सारे चिकन के पीसेस को डाल देंगे। सारे चिकन के पीसेस को एक एक करके हम यहाँ पे बटर पे डाल देंगे। बटर में डालने के बाद हम यहाँ पे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आप यहाँ पे गैस या इंडक्शन के फ्लेम को थोड़ा सा हाई पे रखें। 2-3 मिनट बाद हम यहाँ पे चिकन के पीसेस को पलट देंगे और अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। मैरिनेट किया हुआ बैटर जो थोड़ा सा रह गया था हम उसको भी डाल देंगे यहाँ पे। जब चिकन पूरी तरीके से फ्राई हो जाएगा हम यहाँ पे इंडक्शन को बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जहाँ हम मसालों का पेस्ट बनाएंगे। जब सारे मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम सारे मसाला को एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मसालों को आप ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड करें, नहीं तो मसाला जो है ऊपर से बाहर निकल सकती है। अब हम जार के ढक्कन को बंद कर देंगे और मसालों का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सारे मसालों का एक पेस्ट बना लिए हैं। हम लोग यहाँ पे बटर चिकन बना रहे हैं तो बटर चिकन थोड़ा सा मखमली तो बनती ही है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये जो मिक्सचर हम बना रखे हैं उसको छान लेंगे। छानने से थोड़ा सा हमारा जो स्मूथ टेक्सचर है वो आ जाएगा। यहाँ पे हम सारे मसालों को अच्छे से छान लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं छानने के बाद जो है जो रेसिड्यू हमारा बचा है एक्स्ट्रा वो बच गया है। मसाला के मिक्सचर को यहाँ पे हम अलग रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें सारा मसाला के मिक्सचर जो है उसको डाल देंगे। यहाँ पे हम अभी तक इंडक्शन के फ्लेम को ऑन नहीं किया है। फिर हम मिक्सर में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही में 2 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है।
उसके बाद हम हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद ही हम यहाँ पे इंडक्शन के फ्लेम को ऑन करेंगे, उसको बॉयल आने देंगे। जब ग्रेवी में एक उबाल आ जाएगा, हम यहाँ पे सारे फ्राइड किए हुए चिकन के पीसेस को डाल देंगे। चिकन के पीसेस को यहाँ पे ग्रेवी में अच्छे से एक बार मिक्स कर दे। चिकन के पीसेस को ग्रेवी में मिलाने के बाद हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक देंगे और ग्रेवी को 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट बाद एक बार कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेवी में जो है अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है काजू पेस्ट। मैं यहाँ पे 8 से 10 काजू को इसी तरह से पेस्ट कर लिया था, उसी पेस्ट को ग्रेवी में डाल देंगे। साथ ही मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दे। ध्यान रहे हम मैरिनेशन के प्रोसेस में भी नमक का इस्तेमाल किए थे, तो नमक का इस्तेमाल यहाँ पे कम करना है। आधा चम्मच यहाँ पे चीनी ऐड कर दे। चीनी से ग्रेवी का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। मिला दे सारे चीज़ों को अच्छे से। काजू पेस्ट को ग्रेवी में अच्छे से मिलाने के बाद हम यहाँ पे कढ़ाई को ढक देंगे और ग्रेवी को 5 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब हम कढ़ाई के ढक्कन को हटाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे। लास्ट में हम यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी को हथेलियों के बीच में थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और उसको ग्रेवी में डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे 2 से 3 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दें। फ्रेश क्रीम आपको कोई भी डेयरी शॉप में आसानी से मिल जाएगा। कसूरी मेथी और फ्रेश क्रीम को अच्छे से ग्रेवी में एक बार मिक्स कर दें। अब हम कढ़ाई को ढक देंगे और ग्रेवी को 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम में छोड़ देंगे। उसके बाद ही हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक प्लेट में हम चिकन की ग्रेवी को निकाल देंगे। तो बनके तैयार है हमारा मखमली बटर चिकन। बहुत ही टेस्टी है खाने में। आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर से बारीकी से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दे। साथ ही में गार्निशिंग के लिए 1 से 2 बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम डाल दे। उससे चिकन बहुत ही अच्छा दिखेगा। आप इस चिकन की ग्रेवी को रोटी, पराठा, नान, कुलचा या फिर चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस आसान बटर चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आपके फैमिली को खिलाइए। वो लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।